ये वीडियो मेरे दूसरे जो भी वीडियोस हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। मैं इस चैनल पर हमेशा फिटनेस वीडियोस और बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड वीडियोस बनाते आ रहा हूँ। ये चैनल का मेन एम है कि मैं स्टूडेंट्स और जिन लोगों को फिटनेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है उन लोगों को मैं एजुकेट करके वो खुद अपना कोच कैसे बन पाए, फिटनेस नॉलेज कैसे बढ़ाए और अपने आप को कैसे इम्प्रूव करे एक बेहतर फिजिक बनाने के लिए। मेरा नाम है दीपक नायक और आज मैं इस वीडियो में आपको 5 स्किल्स या हैबिट्स बताऊंगा जिससे आप अपना 20s में अगर आप हो तो आप उसे इनकलकेट करके अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। तो पहला स्किल या फिर हैबिट है वर्किंग आउट एंड एक्सरसाइजिंग डेली। अगर आप मोटे अगर या फिर आप बहुत पतले हैं तो फिर कल ही कल आप एक जिम जाइए, एक जिम में सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि जिम सब्सक्रिप्शन लेना और वर्कआउट करना एक डिसीजन है जो आप कभी भी अपने लाइफ में रिग्रेट नहीं करेंगे। ये जो बॉडी है आप उससे अपना ज़िंदगी गुजारिश करना है और आपको उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखना है, इसीलिए आप अपने बॉडी को सही तरीके से ट्रीट कीजिए और उसको मेंटेन करिए और शेप में रखें। अगर आपको क्या करना पता नहीं है, कैसे जिम जाना या फिर जिम में क्या करना पता नहीं है, तो फिर मेरे इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, वो आप इधर क्लिक करके देख सकते हैं, जो एक फुल बिगिनर्स गाइड है जो आपको गाइड कर सकता है कि आप क्या करें और क्या नहीं। अगर आप जिम ऑलरेडी ज्वाइन हो तो फिर आप कंसिस्टेंट रहिए और हर एक दिन जिम जाइए और मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर आप 20s में अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं देते तो फिर बाद में आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा अपने फिटनेस और हेल्थ के बारे में ध्यान देने के लिए। दूसरा स्किल है बेसिक कुकिंग। कुकिंग मतलब दम बिरयानी या फिर कोई इटालियन पास्ता वो सब बनाना नहीं है। बेसिक कुकिंग मतलब आपको एक ज़रूरत या फिर जितना इम्पॉर्टेंट है उतना कुकिंग आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक ऑमलेट बनाना आना चाहिए या फिर अगर आपको एक सैंडविच बनाना आना चाहिए, आपको एक कॉफ़ी बनाना आना चाहिए और ये सब बेसिक स्किल्स हैं। आपको ओट्स बनाना आना चाहिए, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सिर्फ जिम जाने से बॉडी नहीं बनता, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ अगर आप एक्सरसाइज करेंगे और वेट ट्रेनिंग करेंगे तो ही आपका एक ग्रेट एस्थेटिक बॉडी बनेगा। और ये कहावत तो आप सुना ही होंगे कि एब्स आर नॉट बिल्ट इन जिम, इट्स बिल्ट इन किचन। इसीलिए आपको बेसिक कुकिंग आना ही चाहिए। आपको कुछ नहीं आता है तो फिर जाके अपने माँ से पूछिए या फिर आप अपने अगर आपके पापा को कुकिंग आ जाओ तो फिर आप उनसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक सा स्किल है जो आपको आना ही चाहिए, जो आपको फ्यूचर में हेल्प हो सकता है। तीसरा स्किल है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इस दुनिया में अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा स्किल हो गया है जिससे जो आपके अपने लाइफ में बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि अगर आपके पास जितना भी नॉलेज है और अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो फिर उस नॉलेज का कोई यूज ही नहीं होगा। कम्युनिकेशन सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है, कम्युनिकेशन आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर कम्युनिकेशन आपका रिलेशनशिप में अच्छा है, फॉर एग्जांपल अपने पेरेंट्स के साथ, अपना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्या फील करते हैं दूसरों के बारे में, वो आप प्रॉपर वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक छोटी सी टिप अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, आप ऐसे कंटेंट बना सकते हैं जो मैं करता हूँ, और दूसरा आप मिरर में देख के हर रोज़ बात कर सकते हैं अपने आप से, ऐसे करके आप अपना कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट दो स्किल्स जाने से पहले मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चौथा स्किल है आपको लर्निंग और अनलर्निंग स्किल को बिल्ड करना चाहिए। अगर आप 20s पर हो और आपको एक साइड हसल करना है अपने कॉलेज या फिर अपने डिग्री के साथ, तो फिर आपको एक स्किल सीखना होगा और उसको मोनेटाइज कैसे करते हैं उसे सीखना होगा।
आप वो स्किल सीखे जो आपके आपको करने में मज़ा आता है और इस वर्ल्ड डिमांड करता है। जब ये डिमांड और आपका सप्लाई मीट होता है तब आप अपना स्किल को मोनेटाइज करके आप पैसे कमा सकते हैं। आप बहुत सारे स्किल्स इंटरनेट पे भी सीख सकते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप वेबसाइट से भी सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोर्सेरा, यूडेमी। नोइंग वॉट टू लर्न एंड वॉट टू लर्न इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। पांचवा स्किल है इन्वेस्टिंग। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो फिर आप इंटर्नशिप, फ्रीलांसिंग ये सब करके आप पैसे कमाते हैं, तो फिर इस पैसे को कैसे अच्छे तरीके से मैनेज करना होगा ये आपको पहले सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कितने भी कमा लेंगे और आपको इन्वेस्टिंग और सेविंग नहीं आता तो फिर आप जल्द से जल्द सारा पैसे जो आपने कमाया है वो सब आप खो सकते हैं। इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो, NFTs, और अपने 20s में आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि कोई भी ये नहीं देखेगा कि आपके पास कितने पैसे हैं। और आपको इन्वेस्ट करते वक्त हर एक सेक्टर पे, अगर आप स्टॉक्स में या फिर क्रिप्टो में आप किधर भी इन्वेस्ट कर रहे हो उस सेक्टर में कितना रिस्क है उसको एनालाइज करके ही आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो ये रहे पांच स्किल्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इसको आप हेल्प करना चाहते हो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो फिर आप मुझे उधर फॉलो भी कर सकते हैं और मुझे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते। अंटिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।